आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है, लिमिट x अग्रसर है शून्य की तरफ। यहाँ पे दिया गया 3x प्लस 3x-x-2 बटा में x किसके बराबर है। यहाँ पे चार विकल्प है, ये बी सी डी। तो आइए हल करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे पहले नोट करेंगे, ये क्या आपका लिमिट x अग्रसर है कहाँ, शून्य। 3 कितना है x प्लस 3x-2 और बटा में क्या है x। ओके, अब इसको हल करने के लिए एक बार हम क्या करते हैं, लिमिट को रखकर चेक कर लेते हैं कि क्या इसकी वैल्यू निश्चित आ रहा है कि अनिश्चित आ रहा है। ठीक, तो देखिए रखते हैं, यहाँ पे 3 कितना है, देखिए 3 पे यहाँ पे शून्य रखेंगे और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे और माइनस 2 और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में शून्य हो जाएगा। अब 3 क्या होता है, 1 होता है और ये भी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1-2 यानी शून्य, बराबर में देखा जाए तो 2-2 क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, यानी 0/0 का रूप आ रहा है जो कि अनिश्चित मान है। तो हमें निश्चित मान ज्ञात करना होता है। तो आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको निश्चित मान ज्ञात करने के लिए अलग विधि से हल करेंगे। ठीक, तो एक रूल होता है उसका हम प्रयोग करेंगे, ये होता है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू शून्य, ठीक, एफ ऑफ एक्स और बटा में क्या है जी एक्स। तो ये क्या होता है, ये होता है लिमिट x अग्रसर शून्य और ये होता है एफ डैश एक्स और बटा में क्या होता है जी डैश एक्स, यानी अंश तथा हर में क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका लिमिट क्या हो जाएगा, x शून्य की तरफ अग्रसर है, ठीक, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, कोष्ट में क्या हो जाएगा 3x प्लस 3x-x-2 और बटा में क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अब देखिए जब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x अग्रसर है कहाँ शून्य, e की घात, यहाँ पे 3x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x ln 3 और फिर क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x-x, ठीक, और फिर क्या हो जाएगा ln क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x-1 और बटा में क्या हो जाएगा x का अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x अग्रसर है कहाँ शून्य, अब ये हो जाएगा 3x ln 3, ठीक, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3x और ये हो जाएगा आपका ln क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक सूत्र में पता है कि ln a/b को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ln a-ln b। ठीक, तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x अग्रसर है कहाँ शून्य, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा ln 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 1/3x और फिर क्या हो जाएगा, ये कोष्ट में ln 1 और माइनस क्या हो जाएगा ln 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x वैल्यू शून्य रखेंगे तो 3x और ये हो जाएगा ln 3 प्लस ये हो जाएगा 1/3x। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ln 0 कमा 1 का मान क्या होता है, शून्य होता है, शून्य माइनस क्या हो जाएगा ln 3 हो जाएगा। और देखिए 3x का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो ln 3, ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका माइनस ln कितना 3। ठीक, तो यहाँ से ln 3 माइनस क्या हो जाएगा ln 3, कट के क्या हो जाएगा शून्य के बराबर, तो इसका मान कितना आ गया, शून्य आ गया। तो विकल्प में देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे पहला विकल्प क्या हो जाएगा सही, बाकी के विकल्प आपका गलत। इस प्रकार ये पाठ इसका उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।